वाव गाइस, दिल्ली का व्यू देखो, क्या मस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से। हाय सुपर्ब। तो दोस्तों आज हम ना एक बार फिर आ चुके हैं यूनिटी मॉल में। परसों चाचू के साथ आए थे लेकिन आज एक बार फिर आ गए हैं, कुछ शॉपिंग करनी थी। और शॉपिंग क्यों करनी थी इसका भी आप लोग रीज़न पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत सस्पेंस तो बनता है ना। तो चलिए आ जाए हम यूनिटी मॉल पे शॉपिंग करने के लिए, जीवी के पापा, मैं, जीवी। और इतना सुंदर व्यू लग रहा था ना यहाँ से, पहली बार देखा हमने नीचे को, तभी आप लोगों को भी। हम लोग पार्किंग में और जीवी अपने पापा के साथ पार्किंग में देखो चल रही है, चारों तरफ गाड़ियाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ। पति दे, हेलो मेरे डुगू, शॉपिंग करने वाले हो मेरे लिए? क्या दिलाओगे मुझे आज? हाँ इसमें चढ़ना है। अच्छा, आज लगता है हम लोग यूनिटी मॉल में मतलब आए हुए हैं और भीड़ बहुत कम है। क्यों बताऊं? क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी लिफ्ट में हम लोग आज अकेले हैं। और दिन हमेशा पांच छह लोग तो होते हैं, आज अकेले। उसके लिए करने लग गई, परसों से झूली थी ना उसके लिए। के साथ चढ़ने जीवी, जीवी के पापा देखो, हाय बोलो। आज की जो मॉल में शॉपिंग होने वाली है ना, थोड़ी बहुत वो जीवी के पापा की होने वाली है। तो हम लोग अभी यहीं पे ड्रेसेस देख रहे हैं और इधर मैं आई हूँ किड्स सेक्शन में, जहाँ पे जीविका के लिए कुछ शर्ट्स और टॉप वगैरह मैं देख रही हूँ। अगर पसंद आई तो मैं ले लूँगी। तो ये है दोस्तों पैंटलॉन्स, और पैंटलॉन्स में ना कपड़े बच्चों के है तो सुंदर, लेकिन कुछ कुछ ही वैरायटी ठीक है और बाकी रेट के अकॉर्डिंग ये उतने खास नहीं लगे मुझे। यहाँ देख रहे हैं जीवी के पापा अपने लिए कुछ शर्ट्स, और मैं भी देख लेती हूँ जीविका के लिए कुछ टॉप। और ये टॉप दोस्तों देखो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, लेकिन इसका रेट है 3,999। अब इस रेट के अकॉर्डिंग बच्चों के कपड़े कौन ही लेगा। मॉल हो या पार्क हो, कहीं भी हो, बच्चों को अपने दोस्त जहाँ भी मिल जाते, अपने एज ग्रुप के जहाँ भी मिल जाते हैं ना, वहाँ पे बच्चे खेलने लग जाते हैं। ये देखो दोनों जने एक दूसरे को कितना प्यार कर रहे हैं। डुक्कू को मिल गया उसका एक दोस्त, वो भी मॉल में है। तो यहाँ कुछ स्लीपर्स है और ये यहाँ देखते हैं डुक्कू के लिए। वाले चाहिए? कौन से वाले चाहिए बताओ? अच्छा इधर भी प्रिंसेस, इधर आओ बेटा। ठीक है, कौन सी चाहिए? याली दिखाओ, दिखाओ कौन सी चाहिए। डुगू की पसंद तो बहुत अच्छी है।
लड़कियों को जहाँ चाहे, बस देखो ये देख रहे हो उसको, ये सब पसंद आ रहे हैं इस लड़की को, क्या करूँ मैं इसका। हाँ क्या करें, क्या पसंद आ रहा है, हो गई भी चलो। दोस्तों पेंटालॉन से अब हम लोग आ गए हैं बर्गर किंग पे, तो अब यहाँ पे तो आज हम खाएंगे बर्गर किंग का बर्गर, देखते हैं ट्राई करते हैं कि कैसा होता है करके। वैसे मैंने कभी बर्गर किंग का बर्गर ऑर्डर करा नहीं है, और ना हम ना ज़्यादातर बाहर खाते भी नहीं है, क्योंकि ना मुझे बाहर का कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, बर्गर वगैरह मैं सब घर में ही बना लेती हूँ। जिम्मी के पापा कह रहे हैं ट्राई करो करके, तो ट्राई करके देखते हैं कि कैसा होता है। ऑर्डर कर रहे हैं, जीवी आज बर्गर खाएगी, जीवी आज फ्रेंच फ्राइज खाएगी। बर्गर खाओगे ना, कैसे खाओगे, कैसे खाओगे, नाम नाम करके खाओगे। देखो इधर देखो मम्मा की तरफ, मम्मा को फ्रेंकिस करो, को थोड़ी ना मम्मा को करो। आज बहुत रात हो चुकी है, तो इस वजह से हम बर्गर खाने आए हैं। भाई दीदी क्या खाएगी, बर्गर खाएगी। हमारे बर्गर आ गए हैं, जीवी के पापा ने अपने लिए चिकन बर्गर मंगाया है और मैंने अपने लिए वेज बर्गर मंगाया है, और इसके साथ मिले हमको फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक। तो फ्रेंच फ्राइज तो हमारी डुगू खाएगी, डुगू को पसंद है, और हम खाएंगे बर्गर। रंगत तो उसकी ठीक ही लग रही है, बट है कैसा देखते हैं। तो गाइस मैंने भी अपना बर्गर लगभग थोड़ा बहुत खा ही लिया है, बट मुझे ना एक रत्ती भी पसंद नहीं आया।